इंडिया पे कन्हैया कुमार चुनौती है मनोज तिवारी के लिए आपको लगता है? कभी भी कन्हैया कुमार चुनौती नहीं हो सकते हैं मनोज तिवारी के लिए। मनोज तिवारी पिछली बार 3,90,000 वोट से जीते थे और उसके पहले जो है उन्होंने शीला दीक्षित को हराया है। वहाँ पे मनोज तिवारी 14,500 करोड़ का काम अपने संसदीय क्षेत्र में किए हैं, 14,500 करोड़ का। और पूरे दिल्ली में जो 7 सांसद थे उसमें सबसे ज़्यादा पब्लिक से मिलने वाले मनोज तिवारी, ये बात सत्य है। इस सबसे ज़्यादा और बीजेपी के जो 8 विधायक हैं जो दिल्ली में जीते हुए हैं उसमें 6 विधायक, 3 विधायक इनके संसदीय क्षेत्र के हैं और 3 विधायक जो वो रोड बनाए हैं, 6 लेन रोड है, ऊपर जो है हाईवे गुजर रहा है और मेट्रो गुजर रहा है उसके बगल के 3 विधायक हैं, मतलब कि 6 विधायक जो है इनके इन्फ्लुएंस में होके जीते हैं। तो मनोज तिवारी जो है वो इस बार 4.5 से 5 लाख वोटों से जीतेंगे जरूर, क्योंकि संदीप दीक्षित खुद ही जो है नहीं चाहते हैं कि कन्हैया कुमार जीते, कांग्रेस खुद ही नहीं चाहता है कि कन्हैया कुमार जीते और यहाँ तक कि राहुल गांधी भी नहीं चाहते हैं कन्हैया कुमार जीते और कमाल की बात है तेजस्वी यादव भी नहीं चाहते हैं कन्हैया कुमार जीते, तो कैसे जीतेंगे कन्हैया कुमार? तेजस्वी पे आ गए तो तेजस्वी से सवाल पूछना बनता है। नहीं नहीं, हम तो यूट्यूबर सबसे सवाल भी नहीं कर रहे, पहले ही सवाल कर रहे हैं, बीजेपी नेता से हम सवाल कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और आपने नाम ले लिया, 2 कमिटमेंट की बात कर ली आपने, सारी चीजों को इस तरीके से आप तो बिल्कुल पके मंजे हुए खिलाड़ी के तौर पर, पॉलिटिकल खिलाड़ी के तौर पर आज बात कर, मुझे लग ही नहीं रहा है कि इससे पहले करीबन 1-2 महीने पहले जब आपसे हमारी मुलाकात हुई तो आप वही मनीष कश्यप हैं जो आज हैं। आज त्रिपुरा कुमार तिवारी हमारे साथ बैठे हैं, ये कहना सही रहेगा ना? हाँ, मेरे दादाजी ने नाम रखा और त्रिपुरारी तो भगवान शिव का नाम है तो ये बहुत अच्छी बात है, इसको लेकर आगे चलना है। अब यही नाम, दोनों नाम चलेगा आगे, मनीष मतलब मन का ईश्वर, अपने मन का सुनता है और मन के सुनते हैं। हाँ, रोजगार या राष्ट्रवाद? रोजगार और राष्ट्रवाद दोनों, राष्ट्रवाद है तो रोजगार आएगा ही आएगा, एकदम 100% आएगा, और रोजगार जो है राष्ट्रवादी लोग ही देते हैं तो रोजगार और राष्ट्रवाद दोनों चलेगा। भूखे पेट भजन कब तक होगा? अब भूखे पेट क्यों, मतलब कि कौन भूखा है आप बताइए? नहीं तो आप सिलेंडर पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, कैसे महंगाई पर कुछ नहीं कहा बोल रहे हैं। मतलब कि आप जो बोलना शुरू, नहीं नहीं नहीं, आप कंपेयर कीजिए, देखिए इलॉजिकली बातें नहीं होना चाहिए, लॉजिकली बातें होना चाहिए, विपक्ष जो है इलॉजिकली बातें करता है। आप कंपेयर कीजिए 2004 से 2014 के वो 10 साल का पीरियड और फिर 2014 से 2024 का वो 10 साल का पीरियड, जब ये 10 साल का और 10 साल का पीरियड जब कंपेयर करेंगे आप, जैसे कांग्रेसी लोग क्या करते हैं कि 2014 का गैस का प्राइस दिखाते हैं और 2024 का, आप वैसे मत दिखाइए, आप 2004 के गैस का प्राइस दिखाइए फिर 2014, ये 10 साल जो है मनमोहन सिंह का कार्यकाल हो जाएगा और फिर 2014 से 2024 ये 10 साल जो है मोदी जी के कार्यकाल हो जाएगा, तो परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंट जो है प्राइस का जो है आपको पता चलेगा मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ज्यादा हुआ था। पेट्रोल और डीजल जो है 2004 में जो है शायद से 38 या 40 रुपए के आसपास था और हाइक हुआ तो शायद से 75 या 78 रुपए के आसपास, 75 या 78 रुपए के या 82 रुपए के आसपास, मतलब मेरी जानकारी आप लोग क्लियर कर सकते हैं। हाँ ठीक है, मोदी जी के कार्यकाल में 78 से मिला और 100 तक गया, तो आप जब कंपेयर करेंगे तो नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में प्राइस हाइक जो है कम हुआ और उनके कार्यकाल में प्राइस हाइक ज्यादा हुआ। और सिलेंडर की बात आपने किया है, पहले लोग साइकिल खरीदने में अपने आप को जो है समझते थे कि साइकिल नहीं खरीद पाऊंगा, कहाँ से खरीद पाऊंगा, आज जो है कोई साइकिल पे चढ़ना नहीं चाहता है, कोई भी साइकिल पे चढ़ना नहीं चाहता, मजबूरी में कुछ लोग चढ़ रहे हैं, ये बात सत्य है, मैं झूठला नहीं रहा, लेकिन उस समय साइकिल खरीदने में लोगों का हालत खराब हो जाता था, आज जो है मोटरसाइकिल वो भी बुलेट पे लोग चढ़ रहे हैं, तो ये बात सत्य है कि महंगाई बढ़ी है, इस बात को मानता हूं, लेकिन कांग्रेस के तुलना में वो महंगाई बहुत कम बढ़ी है और महंगाई आगे भी बढ़ेगी, ऐसा नहीं है नहीं बढ़ेगी, वो अमेरिका में भी बढ़ेगी, आप कंपेयर कर रहे हैं, आपने अपने अंदर से 3 छवि दिखा दी। हाँ। महंगाई बढ़ी है मनीष कश्यप बोल रहे हैं। हाँ। महंगाई पर कंट्रोल वाली बात मोदी जी की है, बीजेपी नेता मनीष कश्यप बोल रहे हैं। हाँ। आगे इसको थोड़ा कंट्रोल कर लेंगे, नहीं अभी भी कंट्रोल है, देखिए मैंने ये नहीं बोला है कि आउट ऑफ कंट्रोल है, अभी भी कंट्रोल है, अभी भी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है, कांग्रेस के सरकार से जब तुलना करेंगे तो बीजेपी के सरकार में महंगाई बहुत कम बढ़ती है। आप अपने डिस्प्ले पे आपके आप लोगों के पास अब बड़ा बड़ा टीवी हो गया है, मैक्स अब या बहुत सारी कंपनियों का टीवी हो गया, आप लगाइए डिस्प्ले पे और लॉजिकली दिखाइए 2004 से 2014 का तुलना कीजिए और फिर 2014 से 2024 का तुलना कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि ये कंपैरिजन, ये कंपैरेटिविटी, ये सारी चीजें विपक्ष नहीं कर पाता है, नहीं कर पाता, नहीं नहीं, विपक्ष जो है गुमराह करता है। अब जरा सोचिए कि ये
न्यूज 18 का हेडक्वार्टर है पूरे देश का, यहाँ पे ऊपर जो है नीचे जो है बहुत बड़ा ऑफिस है। और कल को कोई बांग्लादेशी या रोहिंग्या आके कहे कि इसमें से आधा हमें दे दो, आप बताइए, वही कांग्रेस के जो है प्रधानमंत्री कहा करते थे कि पहले आधा हक जो है इनका है, उनका है, फलाना का है, ढिकाना का है, ऐसे है वैसे है। वहीं आज जाके देखिए जो है पाकिस्तान का हालत खराब हो गया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो कश्मीर के थ्रू जो भी फंडिंग होता था पाकिस्तान को जाता था उसको ब्लॉक कर दिया पूरा। आज जो है पाकिस्तान का अनेकों प्रांत के लोग जो है कह रहे हैं कि हम भारत में मिलना चाहते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। दुनिया का सबसे बड़ा बड़ा एजेंसी जो है अमेरिका का एजेंसी, अभी कल का न्यूज़ है, एजेंसी का नाम मैं नहीं बता पा रहा हूँ, कल का न्यूज़ है, उसने बोला कि अमेरिका को जो है मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री की सख्त हो सकता है। तो पूरा दुनिया मोदी का प्रशंसा कर रहा है और विपक्ष को जो है विपक्ष राव कहने तक का इंतजार क्यों किया? माँ की बात नहीं मानती है क्या? का इंतजार तब क्यों किया? पहले भी देखिए तो ये फैसला आप पहले भी ले सकते थे, निर्दलीय आप चुनाव में उतर गए, उसके बाद अब आपने कहा कि माँ की बात को टाल नहीं सकता था, माँ की इच्छा थी, माँ को खुशी हासिल होगी, इसलिए मैंने बीजेपी ज्वाइन किया। देखिए मैं सच कहूँ तो मुझे भी मैंने इंटरव्यू में पहले ही कहा कि मुझे लगता था कि मुझे यहाँ से टिकट मिलेगा, मेरी बातें दूर तक नहीं पहुंची, नहीं टिकट मिला, चलिए ठीक है टिकट किसी को मिल गया, बीजेपी ने जिसको अच्छा समझा उसको टिकट दिया। उसके बाद से मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा था तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि निर्दलीय चुनाव लड़के अब करेंगे क्या वो बताइए, तो मैंने बोला ये करूंगा, ये इनकी इनकी मदद करूंगा, यहाँ यहाँ ये करूंगा। तो उन्होंने बोला कि फिर ठीक है आप हमारे साथ आइए और आप ये काम कीजिए, हम सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर क्या दिक्कत है। तो मैं साथ में आया और मैं अभी मुलाकात कई बार भेल, कई बार पहले भी भेल, बाद में भेल, जेल से अयला के बादो भेल, तो ये बातचीत करे के मौका ना मिल पाएगा? देखिए बातचीत करने का मौका मिला, बहुत सारी चीज़ें जो है इंटरनल बातचीत होती है जो न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम नहीं बोल सकते हैं, और आज मेरा पहला दिन है तो पहले दिन है सूली पर मत चढ़ाइए लोग। नहीं नहीं एकदम थम के बढ़िया तरीके से जवाब आप दे रहे हैं, कहीं हमने पहले ही कहा कि आप मंझे हुए खिलाड़ी हैं, आपको पता है बाहर क्या हो रहा है, आप लोग बना दीजिएगा। नहीं आप अंदर हैं, ठीक है, जिसको जो बनना है बन ही जाएंगे। हमें जरा एक चीज़ बताइए कि 2020 में भी आपने चुनाव लड़ा था, क्या सोचा था कि यूट्यूबर से अचानक से क्या, मतलब आंकना चाह रहे थे, टटोलना चाह रहे थे, पब्लिक के को देखना चाह रहे थे वोट कैसे करती है, क्या दिमाग में चल रहा था? और उस समय क्या हारने के बाद ये सोच लिया कि झुकेगा नहीं मनीष कश्यप? कंट्रोल चलिए ठीक है। मुझे राजनीति बहुत अच्छा लगता है और राजनीति में आना चाहिए। नायक फिल्म में प्रेस रावल एक जगह कहते हैं कि भारत का सारा युवा कहता है कि राजनीति गंदा है और गटर है और गंदा गटर है, तो उसमें जब अच्छे लोग आएंगे तब तो वो साफ होगा। तो हम जैसे अनेकों युवाओं को आना चाहिए, उसमें आना ही चाहिए, गंदगी को साफ करने के लिए बीजेपी के साथ। बहुत सारे नेता उसको साफ कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी ने बहुत हद तक उसको साफ कर दिया, बहुत हद तक।